हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑन माय चैनल। इस वक्त रात के बज रहे हैं 10:45 PM और मैं अपने शूट से लौटी हूँ। इरादा तो वैसे जल्दी आने का था क्योंकि आज है 13th of June 2023 और कल यानी कि 14 जून को होता है काविश का हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं चाहती थी कि इस बार हम कुछ डिफरेंट करें फॉर मेनी रीजंस ऑफ कोर्स। एक तो ये है कि काविश का स्कूल खुल गया है, हम कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं कर सकते थे स्कूल के दौरान बिकॉज ही कम्स होम वेरी लेट फ्रॉम स्कूल। तो हम एक्चुअली एक बड़ी सी पार्टी कर रहे हैं इन द वीकेंड ऑन दिस संडे। कमिंग बैक टू दिस, तो आज मैं चाहती थी कि मैं काविश के लिए ना कुछ सिंपल और कुछ डिफरेंट करूँ, जैसे मेरे बचपन में हुआ करता था। आई एम श्योर बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। बर्थडे के पहले ही एक लिस्ट बना दी जाती थी और इस वक्त किसी से कट्टी बट्टी चल रही होती थी तो बोलते इसको नहीं बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसको मैं 2 chocolates दूंगी। तो मैंने सोचा था कि जो वो सारी चीजें जो मेरे बचपन में मैं डेकोरेशन में यूज करती थी उनको एक्चुअली आई वेंट हंटिंग फॉर दोज थिंग्स, आई वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप और कुछ कुछ चीजें मुझे मिली भी, यू नो, जैसे वो पेपर वाले कलरफुल रिबन्स हुआ करते थे या फिर एक ऐसी चीज नहीं होती थी जो फ्लैट होती थी एंड देन यू ओपन इट इट बिकम्स लाइक अ लैंटर्न और ऐसी चमकीली वाली चीजें होती थी एंड बलून्स ऑफ कोर्स हम पूरे ऐसे ऐसे रिबन्स लगाते थे ऐसे ऐसे करके। वो दिन भी कुछ और ही थे, आई मीन कितना मजा आता था, राइट? आप जिन भी दोस्तों से बहुत क्लोज होते थे उनको बुलाते थे आप डेकोरेशन के लिए और उन्हें भी बड़ा स्पेशल फील होता था कि इसका बर्थडे और इसने हमें बुलाया। मम्मी रसना बनाया करती थी, समोसा मंगाया करते थे और चिप्स होता था, यही 2-4 स्टैंडर्ड चीजें होती थी और कुछ टॉफीज होती थी जैसे कि कॉफी बाइट, एक्लेयर्स या मेलेडी, यही हुआ करता था उस टाइम पे। एक और बात मुझे अपनी बड़ी वियर्ड सी याद है, जब मैं छोटी थी तो ऐसे स्पेशल ओकेजन जब होते थे ना आई वुड वेयर अ लिपस्टिक, यू नो, मुझे याद है ऐसे सेंटर पार्टी ही थी मेरी ऐसी टाइप की और यहाँ पे कुछ फैंसी से क्लिप्स होते थे और वो नेट वाली फ्रॉक होती थी टिपिकल सी। उसके बाद लिपस्टिक जब मैं लगाती थी ना तो मैं अपनी लिप्स को पार्टेड ही रखती थी, आई वुडंट लाइक जॉइन माय लिप्स, सो आई वुड से हाय इट्स अ हैप्पी बर्थडे, क्योंकि मुझे लगता था कि लिप्स अगर मैं जॉइन करके बात करूंगी या टच करने दूंगी तो लिपस्टिक खराब हो जाएगी। यू नो हाउ इट इज, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट टू दिस। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी ऐसा ही कुछ करते थे बचपन में तो शेयर कीजिएगा, पता चलता है यू नो कि कितनी कॉमनैलिटी है हमारे बीच। इट्स नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग टू नो हाउ मच वी कनेक्ट। तो मैं कुछ चीजें लाई हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी, कोशिश किया जाएगा टू डेकोरेट दैट लिटिल कॉर्नर। या ये घर का साइज तो थोड़ा बड़ा है सो इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि पहले तो हम छोटे घर में रहते थे और वहां पर हम पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर डेकोरेट करते थे। और मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूंगी कल सुबह भी जब काविश उठकर आएगा एंड आई विल सरप्राइज हिम विद ऑल द डेकोरेशन। आई थिंक दिस वन इज गोइंग टू बी स्पेशल, क्योंकि अपने हाथों से जब हम कुछ चीज करते हैं तो बहुत स्पेशल होती है ना, कंपेयर्ड टू व्हेन यू जस्ट हायर एन इवेंट पर्सन और यू नो वन ऑफ दोस बलून पीपल एंड हु डू इट। उसका भी अपना मजा है, वो भी होगा यू नो टुवर्ड्स द वीकेंड जब हम एक बड़ी पार्टी प्लान करेंगे। अभी फिलहाल इससे काम चला लेते हैं। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर डुपर हंग्री ऑल्सो, बीच में खाने का ब्रेक भी ले लेंगे। तो Let's go and let's see what all I got for him. तो यहाँ पर है कुछ चीजें, पता नहीं इन्हें बोलते क्या है, इनका नाम भी क्या है, इनविजिबल टेप। ये तो मैं कुछ अपने ले लिया है वहाँ से। डबल साइडेड टेप टू स्टिक बलून्स, ये भी कुछ स्कॉच टेप है, मैजिक टेप टू स्टिक बलून्स, ये है हैप्पी बर्थडे का बैनर, ये कुछ और पेपर के रिबन्स और ये फॉइल बलून्स हैं, ये ऑफ कोर्स नहीं हुआ करते थे जब हम छोटे थे काविश, एटलीस्ट हम ये करेंगे। और ये कुछ फैंस हैं, ये भी नहीं हुआ करते थे बट मुझे इतनी चीजें मिली। ये हैं उसके लेटर्स, KAVISH, इसको हम लगाएंगे, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं पहले, आई थिंक सो, बिकॉज इससे एक हमारा सेंटर स्टेज टाइप बन जाएगा। निकाल दिया है, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं हैप्पी बर्थडे का बैनर। हाँ उठाओ, चलो आगे चलो। अच्छा लग रहा है ना ये, क्यूट सा सिंपल सा। तो ये है काविश का डब्बा जिसमें हम रखते हैं बहुत सारे बलून्स, बलून्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, लंबे वाले,
spiral balloon, we have a lamba balloon, then we have polka dots, we have some heart shaped balloons also, and ye hai the regular balloons. कुछ बनाते हैं। पहले हम ये वाले बलून्स लगा देते हैं KAVISH वाले वहाँ पर, ताकि एक सेंट्रल सा थीम बन जाए, फिर उसके इर्द गिर्द हम लोग अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें हमारी मदद करेंगे राम भैया। चलो राम, पहले केक का कर दो, ध्यान से, धीरे से, धीरे से, सॉफ्टली दिखाओ, तुम्हें पता है ना कहाँ से करना है। ये देखो, ये है, मैं करती हूँ, तुम ये बड़ी मेहनत का काम है। ओके, बैठ जाते हैं सोफा पर, डेरा जमा के। के इज रेडी एंड वी इज हियर। अब हम वॉल ढूंढने में एक्सपर्ट हो गए हैं। ये रहा वॉल। ऑलराइट, और हमारे पास आ चुका है आई। तो ये रहा आई का वॉल्व, इसमें हम डालेंगे ये और इसको रिवर्स करेंगे और इसको खुलाएंगे। पैर का हाल कुछ ऐसा है जनाब, ये देखो पैर का कलर ही चेंज हो गया लिटरली। लुक एट दिस, एंकल बोन ही नहीं दिखती लाइक कंपेयर टू दिस। ये रहा एस, एंड एज यूजुअल राम ने इसको उल्टा ही रखा है। थैंक गॉड काविश का नाम छोटा है, मैं सोच रही कोई सुपर लंबा तो वेणुगोपाल अय्यर। चुका है लास्ट लेटर। यू नो, मैं सोचती रह गई कि मैं ये व्लॉग शूट करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। फिर मैंने निकाला कैमरा और बोला चल बहन शुरू हो जा, क्योंकि ऐसे सोचते सोचते फिर आप लोग देख नहीं पाते हो ना ये स्पेशल मोमेंट्स, और मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लाइक आई सेड दैट यू नो दिस व्लॉग्स हैव बिकम माय जर्नल नाउ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ महीनों बाद जब मैं ये मोमेंट देखूंगी, ये व्लॉग देखूंगी कि यू नो आज के दिन मैंने इस साल काविश का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया था और इस बार कुछ डिफरेंट किया, तो मुझे अच्छा लगेगा। राइट, इट विल बी सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी। काविश भी जब बड़ा हो जाएगा, यू कैन लुक बैक एट दीज मेमोरीज। लेट्स गो नाउ, लेट्स गेट टू स्टिकिंग देम। सो लेट्स बिगिन। मम्मी भी आ चुकी है टहलते हुए। इसके लिए हमें चाहिए होगा डबल साइडेड टेप। क्यों ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि मैं क्राफ्ट का वीडियो बना रही हूँ। तो आइए पहले हम ना ये लेटर्स के पीछे लगा लेते हैं, फिर एक साथ उनको अलग करेंगे। कमा तो मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मैं तो बस एक ही काफ़ी है, तो काफ़ी मजबूत टाइप का ये, दो लगा लेते हैं। चलो पहले सबके पीछे लगा लेते हैं। लेटर्स के पीछे लग चुका है डबल टेप। अब हम इसे निकालेंगे एंड वी विल स्टार्ट स्टिकिंग देम। हैप्पी बर्थडे काविश। और अब हम करने वाले हैं ये चीज ट्राई, पार्टी फैंस। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस इज इसमें ना डबल साइडेड टेप्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, सो दैट मेक्स आवर जॉब इजी पीसी। काविश का फेवरेट कलर है ब्लू। ये नहीं हुआ करता था मेरे टाइम पे, होता था क्या मम्मी? मम्मी बताइए अभी हमारे टाइम पे क्या। मैंने बोला हम रसना आप बनाते थे, फूल की माला बनाते थे, और टीका लगाते थे। ये हम
लगा रहे हैं। हमें एक्चुअली में पेपर फैन के स्ट्रिंग्स नहीं मिले तो हमने बलून्स लटका दिए। अब हमारे पास ये कलरफुल पेपर हैं। ये तो हुआ करते थे बच्चों, देखते हैं इनके साथ क्या करते हैं। तो हमने आइडिया लगाया है कि ऐसे बंचेस बना दिए हैं। यहाँ नहीं, हम यहाँ पे लगाओ, यहाँ, हाँ वहाँ लगा लो, ठीक है। अब ये वाला भी लगाओ उसके बगल में। तो काविश को ना रेनबो 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 सब चाहिए, उसके लिए हम कुछ कलरफुल स्टफ करने वाले हैं। ये कोई पर्टिकुलर थीम नहीं है, बट इट्स जस्ट कलरफुल। काविश मेहरा एंट्री लेंगे इस रूम से बाहर, ये काविश का रूम है, सो ही विल बी हैप्पी। परफेक्ट। नानी को भी रात को लगा दिया हमने, इस वक्त रात के 12 बजने वाले हैं। नानी बहुत मेहनत कर रही हैं। वाओ, इट्स लुकिंग प्रेटी। राम भैया भी मेहनत कर रहे हैं, अभी मंजिल लेकिन दूर है। और मम्मी को एक काम करने बोला है, वहाँ पे मम्मी का अपना क्राफ्ट चालू अलग से, कुछ अलग सा। क्या बना रहे हो आप? तोरण बना रही हूँ। तोरण, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। यू नो, जब हम सब मिलकर कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो कैसे देयर इज अ स्पिरिट, यू नो, वेयर यू ऑल कम टुगेदर। और सब लोग सिर्फ काविश की खुशी के लिए कर रहे हैं, जस्ट टू सी दैट स्माइल ऑन हिज फेस फॉर अ स्पेशल डे, आई थिंक दैट्स इमेंसली स्पेशल। एंड इट्स 12 AM ऑफ द 14th of June 2023। हैप्पी बर्थडे काविश। हैप्पी बर्थडे काविश, दिस इज फॉर यू, सरप्राइज रेनबो। हैप्पी बर्थडे काविश। Alright, रुको, थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा लेफ्ट, और बस बस वहाँ से और लगाएंगे, बस लगा दो। नाइस, चलो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये मम्मी का प्रोजेक्ट है। यस मॉम, क्या बनाया आपने? नाइस, परफेक्ट। तो ये हो चुका है और ये इज लुकिंग एब्सोल्युटली वाओ वाओ। That's it, हमारे पास ये इतने ही थे। और मम्मी ने अपने पोते के लिए ज़्यादा चीज़ें कुछ संभाल के रखी हुई हैं चुपके से। राम भैया कुछ बोलने की कुछ, मैं बोल रही हूँ पोते के लिए, राम भैया को ऑब्जेक्शन है, क्या बोल रहे हो? पोते को बोलता है दादी, नानी को बोलती है। राम बोलना चाह रहा है कि पोता दादी का होता है और नाती नानी का होता है, तो काविश है मॉम का नाती। ओके, खुश हो तुम अभी? आज के लिए डेकोरेशन इतना ही। मन तो था बलून्स फुगाने का भी, बट अभी थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे रही है, बिकॉज नहाना भी है, कल के शूट का कॉल टाइम भी आ चुका है और खाना भी खाना बाकी है, और 12:30 हो रहे हैं। मॉम को भी नींद से उठा चुकी हूँ मैं। बाकी बलून्स हम कल काविश के साथ मॉर्निंग में फुगाएंगे, बिकॉज मैंने कल थोड़ा सा लेट कॉल टाइम मांगा था, बिकॉज काविश का बर्थडे, तो जब तक वो स्कूल चला जाएगा आई कैन शूट एंड कम बैक। दैट्स इट, आई एम सुपर डुपर हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटेड। यस, ये मम्मी का आइडिया था, दिस इज काविश's बर्थडे गिफ्ट। अब मैं और मॉम लिख देंगे कुछ क्यूट सा मैसेज उसके लिए, ताकि वो सुबह जब आएगा यहाँ से ही कैन जस्ट कम। नाइस 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 नाइस, आई एम एक्साइटेड। गुड नाइट एवरीबॉडी, सी यू इन द मॉर्निंग। एंड इट इज द मॉर्निंग ऑफ 14th। Let's go to get Kavish. Pura khol the door. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kavish. Happy birthday to you. Are you happy? किसका हैप्पी बर्थडे आज? किच्चू कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे माय गोलू। मुझे पता नहीं, एस पुस हो गया। एस पुस हो गया? गा देंगे। हैप्पी बर्थडे डियर कावी। और ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरा पेंटिंग है। क्या बोल रहे थे आप इसके बारे में? ये
देखो दिखाओ Nice. Wow. Let's read what's written. Let's open your gift. I've never had a gift. Aww. Wow. Woohoo. Woohoo. Can you tear it now? Whoa. Woohoo. Are you happy? Yes, my poor. I was in the garden and you brought this for me and I was lifting this up. Correct. Let's open it now. Woohoo. Come on, Ram Bhaiya. Open kar do. Wow! Woohoo! Oh my god, my baby has become a big boy now. What did he get? We will, don't worry. Acha karo karo aap karo. Jahan pe press likha hai. Yes. Excellent job. Wow, Kavish is all grown up now. Woohoo, nice. Come on now, ride it and show mama. I'm just turning it. Go. Woohoo, nice. Abhi aap... So Kavish is now really excited about his new gift और मैं चली थोड़ी देर सोने के लिए because मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मुझे उठना है अभी तुरंत शूट के लिए थोड़ी देर में जब मैं उठ कर आऊंगी फिर करेंगे हम काविश के छोटी सी क्यूट सी केक कटिंग जो सरप्राइज है अभी काविश के स्कूल जाने का टाइम हो गया है मैं भी शूट के लिए रेडी हो गई हूँ हमने काविश के कुछ गिफ्ट्स ओपन किए हैं और अभी हम क्विकली केक कटिंग करेंगे उसके बाद मैं काविश को जाऊंगी बस स्टॉप पर छोड़ने सो मेनी गिफ्ट्स फ्रॉम स्कूबीज थैंक यू स्कूबीज यू आर आवर ऑल टाइम फेवरेट स्टेशनरी अभी मम्मा को एक बाइट दे देता हूँ Happy birthday to you. ओए होलो अब आप मम्मा को नानी को खिला दो रेनबो केक आह Happy birthday मेरा मम्मा Happy birthday मेरा बुलबुल रेनबो केक वाले बच्चे So we are rushing and now I'm going to quickly drop Kavish to the bus stop and uske baad I have a quick meeting I'm going to go to the shoot aur phir shaam ko main aaungi aur Kavish hum log bahut sare games khelenge right Kavish is going totally crazy after the cake and this cake has been sent to us by Nitu thank you Nitu lots of love aur is vlog ko hum yahi par end karte hain stay tuned stay happy celebrate your loved ones and stay safe bye